चैनल और आज का वीडियो है क्लीनिंग रिलेटेड वीडियो। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपना सोफा क्लीनिंग वीडियो कि मैं किस तरीके से अपना सोफा क्लीन करती हूं। आज से काफी टाइम पहले मैं ड्राई क्लीनर से अपना सोफा ड्राई क्लीन कराती थी जो कि काफी चार्ज करते थे, लेकिन अभी जिस प्रोसीजर से मैं साफ करती हूँ अपना सोफा क्लीन करती हूँ वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीका है और उससे बहुत अच्छे से सोफा क्लीन होता है और बहुत कम टाइम में और बहुत कम लागत में होता है। तो मैं किस तरीके से करती हूँ वही मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिमाइंडर याद है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ में जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे करती हूँ। पहले मैं अपने सोफ़ा के सभी कुशंस को उतार लूँगी और उसके जितने भी कवर हैं और उन सारे कवर्स को मैं मशीन वॉश के लिए दे दूँगी। मशीन वॉश के लिए मैं पानी के अंदर, ये मैंने ल्यूब वॉर्म वाटर लिया है और उसमें डिटर्जेंट के साथ में मैं थोड़ा सा मिलाऊँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अभी मैं सारे कुशंस को यहाँ से हटा करके अपने सोफ़ा को बिल्कुल एम्प्टी कर दूंगी जिससे कि हमें इजी रहे क्लीन करने में। और आप देख सकते हैं ये सोफ़ा कितना डर्टी हो रखा है इस टाइम, कितना गंदा है। तो उसके लिए मैं पहले, सबसे पहले हैंडी मेरे पास ये वैक्यूम क्लीनर है उससे मैं साफ़ कर लूंगी अच्छे से जिससे कि इसके अंदर की जो भी डस्ट है वो सारी निकल जाए। उसके बाद में मैंने लिया है एक प्लास्टिक ब्रश। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं हो तो आप इस तरीके के प्लास्टिक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे से सोफ़ा क्लीन होता है। तो मैं प्लास्टिक ब्रश से भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये थोड़ा लंबे हैंडल का है, जो भी थोड़ी बहुत डस्ट रह गई है वो भी झाड़ करके मैं निकाल दूँगी और अच्छे से क्लीन कर लूँगी सारे सोफ़े। बाद में मैंने बकेट में थोड़ा पानी लिया है, पानी मैंने थोड़ा हल्का गर्म लिया है और उसके बाद में इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, वो मैंने बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है। और उसके बाद में आप कोई भी शैम्पू वगैरह ले सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा शैम्पू डाल रही हूँ, माइल्ड शैम्पू हो या जो भी आपके पास है। तो थोड़ा शैम्पू डाल दिया है और इसको मैं सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चाहे तो इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह या एसेंशियल ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं जिससे कि इसमें खुशबू आ जाए। और अब मैं ले रही हूँ एक पुराना टाल और इसको इसमें डिप करके अच्छे से फिर इससे मैं अपना सोफ़ा क्लीन करूँगी। तो मैंने अच्छे से डिप करके और टाइट हाथ से मैंने इसको निचोड़ लिया है जिससे कि इसके अंदर का सारा पानी निकल जाए। इसके बाद में इस गीले कपड़े से मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी सोफ़े से। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा गीला हो जाता है तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से सूख जाएगा। लेकिन इस गीले कपड़े से ही साफ़ करने से इसके अंदर के जितने भी डिसइंफेक्टिव है वो भी निकल जाएंगे और जहाँ पर भी स्टेन्स वगैरह निकले हैं वो भी निकल जाएंगे इससे। तो कोशिश करें अच्छे से रगड़ करके ये सारे साफ़ कर लें। और ये देखिए मेरा सोफ़ा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है, हालांकि ये ज़्यादा गीला नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा गीला है तो इसको पंखे में सुखा सकते हैं, आप 2-3 घंटे फ़ैन में रख सकते हैं। तो अच्छी तरीके से सूख जाने के बाद ही मैं इसके ऊपर अपनी जो भी कुशन है वो लगाऊंगी और अभी सूखने के लिए लगभग से 3 घंटे का टाइम दूंगी मैं। और लगभग 3 से 4 घंटे सुखाने के बाद में मेरा सोफ़ा बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था और उसके बाद में मैंने इसके जितने भी कुशंस थे वो मैंने इसके ऊपर सेट कर दिए हैं और अब ये मेरा सोफ़ा कुछ इस तरीके से लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।